हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फोट्यूब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है इंस्टाग्राम कैसे यूज किया जाता है, उसका आईडी कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको पूरा बना करके सिखाने वाला हूँ, फिर मैं आपको बताने भी वाला हूँ कैसे आप जो एक नया अकाउंट इंस्टाग्राम का बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर अगर आप भी इंस्टाग्राम का एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं ना, तो फिर सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेना है और जो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। और फिर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो फिर यहाँ पे आने के बाद जो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाए। अगर जो है आप अपना फेसबुक से अपने इंस्टाग्राम को लिंक करना चाहते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर डायरेक्टली जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन हो जाएगा आपके फेसबुक अकाउंट की मदद से। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी से या फिर मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाना चाहते हैं ना, तो फिर आपको नीचे के साइड में साइन अप का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बटन को दबा दीजिए। अगर जो है आप अपना ईमेल आईडी से बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट, तो यहाँ पे सेकंड वाले बटन को आपको क्लिक कर देना है। और जो है अगर आप अपना मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं तो भी आपको सेकंड वाला पे ही क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, उसका जो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और बगल में ईमेल का ऑप्शन है। अगर आपको ईमेल आईडी से बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर से बनाना है तो फोन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जो है आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देते हैं, कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है अपना, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया रेहान, और यहाँ पे मैं इसको आर को कैपिटल कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको खुद का पासवर्ड बना लेना है, एक नया पासवर्ड आपको बना लेना है। तो पासवर्ड में जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं रेहान @, यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम और पासवर्ड लिखने वाले जो आप यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन को क्लिक कर दीजिए। तो फिर जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ परमिशन आपसे पूछेगा, आपको सिंपली अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपको बर्थ डे पूछ रहा है, तो फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पे जो हम अपना डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। आपको अपना सही सही डाल लेना है, उसका जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। तो फिर यहाँ पे जैसे आप दबा देते हैं, इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एक नॉर्मली यूजर नेम देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं ना, तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज यूजर नेम वाला बटन को आपको दबा देना है। और यहाँ पे जो है आप अपना एक यूनिक यूजर नेम बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपके नाम को दुनिया में काफी सारे करोड़ों लोग हैं, उनमें से जो है आपका एक यूनिक नाम होना चाहिए, तभी जो है आपका एक यूनिक आईडी बनेगा। तो फिर यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पे शायद मुझे ये मिल जाए। तो उसका जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन को दबा देना है। तो फिर यहाँ पे दबाने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि जो है ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, दूसरा कुछ ट्राई करने के लिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन को दबा देते हैं। तो फिर फाइनली आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है हमारा यूजर नेम भी बन गया, और जो है आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बन जाएगा। थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है। अगर आप अपने फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे स्किप वाला बटन को दबा देना है। स्किप पे आने के बाद जो है आपको फिर से स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद जो है आप अपना फोटो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है आपको यहाँ पे एड फोटो वाला बटन को दबा देना है, और यहाँ पे जो है आप अपना गैलरी से, फेसबुक से या फिर लाइब्रेरी से कहीं से भी एक फोटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तो फिलहाल कोई भी फोटो नहीं है, गैलरी में मैं ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये फोटो हो गया, तो यहाँ पे मैंने ये फोटो को लगा लिया। आपको भी लगा लेना है, ऊपर क्रॉप कर लेना है, और यहाँ पे लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट वाले बटन को दबा देना है। नेक्स्ट वाले बटन को दबाने के बाद जो है फाइनली आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। आपको ऊपर स्क्रिप का बटन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाना है, और यहाँ पे जो है आप एडिट प्रोफाइल पे जाकर के आप जो है अपने अकाउंट को कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे जो है आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन अमेजिंग वीडियो में।